नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। देर आए दुरुस्त आए, बड़ी खुशखबरी झंझारपुर और निर्मली घोगड़िया रेल खंड के लिए बड़ी खुशखबरी समय आ रही है कि ट्रेन सेवा शुरू होने जा रही है। और उससे पहले जो अनाउंसमेंट किया है रेलवे ने, तीन तीन ट्रेन रोजाना इस रेल खंड पर चलेगी। जी हाँ दोस्तों, अब एक दो नहीं बल्कि तीन तीन ट्रेन सुबह दोपहर शाम, पूरा टाइम टेबल आपको बताएंगे क्योंकि रेलवे ने टाइम टेबल जारी कर दिया है इस रेल खंड पर। और सबसे बड़ी चीज़, दरभंगा को एक नया रेल टर्मिनल मिल गया है लहरिया सराय के रूप में। अब जो भी ट्रेन इस रेलखंड पर चलेगी वो लहरिया सराय से चलेगी। तो तीनों ट्रेन की टाइम टेबल क्या है वो बताएंगे आपको, साथ ही ये भी बताएंगे कि CPTM जो है चीफ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट मैनेजर, उनकी तरफ से ट्वीट जारी हुआ है आधार राज की तरफ से। उन्होंने लिखा है कि रेगुलर ट्रेन सर्विस विल स्टार्ट फ्रॉम 8, यानी कि 8 तारीख से जो रेगुलर सर्विस स्टार्ट होगी इस रेलखंड पर। और टुमारो एट 1 PM यानी कल दोपहर 1 बजे द न्यू ब्रिजेज एंड सेक्शन विल बी ओपन फॉर पैसेंजर ट्रैफिक एंड डेडिकेटेड टू द नेशन बाय ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ रेलवे थ्रू वीडियो लिंक। वीडियो लिंक के जरिए कल जो उद्घाटन होगा वो रेल पुल का होगा और राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। और तीन तीन ट्रेन दोस्तों, ये देखिए 055-45, 055-43 और 055-47, ये तीन तीन ट्रेन चलेगी सहरसा से लहरिया सराय डेमू पैसेंजर ट्रेन। और इसमें जो पहली ट्रेन होगी सुबह होगी दरभंगा लहरिया सराय से सुबह 5 बजे, उसके बाद 5:20 पर दरभंगा जाएगी, उसके बाद ये 6:02 पर सकरी पहुंचेगी। तो ये सुबह की ट्रेन बेहतरीन ट्रेन इस रेल खंड पर मिल रही है। और ये सकरी के बाद सुबह में 7 बजे करीब झंझारपुरा पहुंच जाएंगे, उसके बाद 7:17 मिथिला दीप तमुरिया, 7:24 नेमुआ, 7:30 चिकना, 7:35 घोगटिया, 7:50 परसा बसवारी, 8 बजे निर्मली, 8:06 यानी सुबह की बेहतरीन ट्रेन आपको मिल रही है। सुबह में 6 बजे के आसपास आप दरभंगा लहरिया सराय से चलिए और 8 बजे के आसपास निर्मली पहुंच जाएंगे 2 घंटे के अंदर। और आसनपुर को 8:17, सरायगढ़ 8:45 और ये फिर सुपौल होते हुए 9:43 सुपौल, और फिर 9:52 पर सुंदरपुर हॉल्ट होते हुए ये करीबन 10:30 के आसपास, 10:30-11 के आसपास सहरसा पहुँच जाएगी। और उसके बाद ये ट्रेन वापसी की बात करें तो सुबह सुंदरगढ़ ये पहुँचेगी सुपौल 6 बजे, सुबह में भी उधर वापसी से है आसनपुर के पास 7:29, निर्मली 7:37, परसवा बसवारी 7:46, घोगटिया 7:52, चिकना 7:59 यानी कि 8 बजे, यानी कि उधर से भी सुबह में ट्रेन आपको मिल रही है। चिकना 8 बजे तक पहुँच जाएंगे, उसके बाद नेमुआ तमुरिया मिथिला दीप होते हुए झंझारपुर सुबह 8:23 पर आप पहुंच जाएंगे, ये बड़ी चीज़ है। उसके बाद लोहना रोड और सकरी होते हुए सकरी सुबह 10 बजे, और उसके बाद ये यानी कि सुबह उधर से भी आप सुबह में ट्रेन है और इधर से भी सुबह में आपको ट्रेन दी जा रही है, जो कि परफेक्ट टाइम है लोगों के लिए जो ऑफिस या कहीं जाना चाहते हैं। तो दरभंगा सुबह 11:10 पहुँच जाएंगे और 11:30 लहरिया सराय। सबसे बड़ी चीज़ यह है कि इस रेलखंड का जो नया टर्मिनल लहरिया सराय दिया गया है तो दरभंगा में कंजेशन नहीं होगा, लहरिया सराय तक आपको यात्रा हो जाएगी। दूसरी ट्रेन, तीसरी ट्रेन देखिए दोपहर 12:05, फिर रात में 8 बजे, फिर 12:25, रात 8:23 लहरिया सराय, यानी ये दो दूसरी और तीसरी ट्रेन है। सकरी 1 बजे आप आ जाएंगे, फिर रात में 9 बजे दूसरी ट्रेन से आ जाएंगे। इसी तरीके से झंझारपुर 2 बजे और 9 बजे करीबन 10 बजे के आसपास, तमुरिया दोपहर 2 बजे और फिर रात में 10 बजे भी एक ऑप्शन है। तो ये तीन सुबह दोपहर शाम का टाइम रखा गया है, बहुत बेहतरीन टाइम पैसेंजर के हिसाब से रखा गया है। नेमुआ हॉल्ट होते हुए चिकना घोगटिया होते हुए ये जो टाइम रखा गया है दोपहर 2:30-2:30 के आसपास और फिर रात में 10:30 के आसपास। इसी तरह से परसों बसवारी निर्मली आसनपुर कुपवा हॉल्ट के लिए भी 2 ऑप्शन मिल रहा है, दोपहर 2:30-2:30 के आसपास और फिर रात में 10:30 के आसपास। और इस तरह से ये सरायगढ़ पहुँच जाएगी 3 बजे और फिर जो है ये आगे फिर सुपौल और सहरसा पहुंच जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छा टाइम है, दोपहर का, रात का, सुबह का ऑप्शन रखा गया, तीनों ट्रेन को उसी हिसाब से अभी रखा गया है। और जाहिर सी बात है जब इसका आगे विकल्प और अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो हो सकता है ट्रेनें और संख्या बढ़ जाए, क्योंकि यात्री इसमें बहुत ज़्यादा मिलेंगे, ये ऐसा रेलखंड है। अब सहरसा से जो वापसी की ट्रेन है वो बता देते हैं आपको, जो दोपहर और रात की है वो सहरसा में इसे होते हुए ये 12 बजे के आसपास दोपहर में है और शाम में 7:15 के आसपास है। और ये सुपौल कदमपुरा थरबिटिया होते हुए ये पहुंच जाएगी निर्मली
सरायगढ़ पहुंच जाएगी दोपहर 1 बजे के आसपास और रात में 9 बजे के आसपास। फिर हसनपुर कोपा 1:18 और 9:18 का दोनों ट्रेन का ये टाइम रहेगा। उसके बाद निर्मली का टाइम रखा गया है दोपहर की ट्रेन का, वो है 1:25 और रात में 9:19। उसके बाद ये घोघाटिया तमुरिया झंझारपुर होते हुए सकरी ये पहुँच जाएगी 3:12 दोपहर में और रात में फिर 10:45 के आसपास। तो ये टाइम टेबल ये है कि दोनों साइड से परफेक्ट टाइम रखा गया है। दोपहर में भी ऑप्शन है, रात का भी ऑप्शन है, सुबह का भी ऑप्शन है, जिसमें यात्रियों को सुविधा होगी। क्योंकि कई सेक्शन में ये शिकायत है कि टाइम टेबल ठीक से नहीं रखा गया, जिस वजह से यात्रियों को दिक्कतें होती हैं। और ये फाइनली दरभंगा लहरियासराय पहुँच जाएगी। एक ट्रेन पहुँचेगी करीबन 5 बजे और एक ट्रेन पहुँचेगी रात में करीबन 11:30-12 बजे के आसपास। तो बहुत दिनों के बाद एक अच्छा टाइम टेबल, एक अच्छा निर्णय इस सेंट्रल रेलवे के द्वारा दिखाई दे रहा है। CPTM इसके लिए बधाई के पात्र हैं, इस सेंट्रल रेलवे विधायक बधाई का पात्र है, DRM इसके लिए भी बधाई के पात्र हैं कि एक अच्छा टाइम टेबल के साथ तीन तीन ट्रेन एक साथ इंट्रोड्यूस किया जा रहा है उस रेलखंड पर, जिसका इंतज़ार कई वर्षों से किया जा रहा था। और निश्चित रूप से इससे यहाँ के यात्रियों को बहुत लाभ होगा, खास करके जो लोग इंतज़ार कर रहे थे। और ये संख्या और बढ़ेगी क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है इस रेलखंड पर यात्रियों की, क्योंकि यहाँ पर पैसेंजर्स दोनों साइड से मिलेंगे, सुपौल और सहरसा से भी मिलेंगे और इधर मधुबनी और दरभंगा से भी मिलेंगे, क्योंकि कई ज़िलों को ये जोड़ रहा है। 4 जिले तो ऑलमोस्ट जुड़ ही रहे हैं। तो बड़ी चीज़ ये है कि बहुत दिनों बाद एक अच्छा निर्णय रेलवे की तरफ से दिखाई दे रहा है और इसका लाभ निश्चित रूप से यहाँ के लोगों को मिलेगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ आज रहूँगा, आप देखते हैं दरभंगा और समस्या भी है। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।